चंद्रयान 3 को लेकर हर भारतीय के लिए खुशखबरी है। दरअसल चंद्रयान 3 मिशन में इसरो के हाथ कामयाबी लगी है। जानकारी के मुताबिक इसरो ने चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को उसकी ऑर्बिट में आगे बढ़ाने की पहली कवायद सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इस बात की जानकारी खुद इसरो ने सोशल मीडिया के जरिए दी है। इसरो ने ट्विटर पर चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ा अपडेट देते हुए बताया कि अंतरिक्ष यान बिल्कुल ठीक कंडीशन में है। इसे ऑर्बिट में आगे बढ़ाने की कवायद में पहली अर्थ बाउंड फायरिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। जानकारी है कि अभी अंतरिक्ष यान 41,762 किलोमीटर गुना 173 किलोमीटर कक्षा में है। गौरतलब है कि चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के बाद से आगे के 40 दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। जानकारी दी गई थी कि इस दौरान चंद्रयान 3 तीन चरणों से होकर गुजरेगा। बताया गया था कि पहले चरण में ये पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होगा, फिर ट्रांस लूनर इंजेक्शन होगा और आखिर में ये मून की ऑर्बिट में स्थापित होगा। फिर प्रोपल्शन मॉडल और लैंडर अलग होंगे, जिसके बाद सफल और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास होगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक एस उन्नीकृष्णन नायर के मुताबिक इसमें लगे थ्रस्टर्स इसे पृथ्वी से दूर ले जा रहे हैं। उन्होंने ये जानकारी भी दी कि यान प्रणाली ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और अभी तक जो रिजल्ट्स चाहिए थे वही आए हैं। उनके मुताबिक प्रयोग का पहला चरण सफल रहा है। उनका मानना है कि ये आगे के चरणों में भी सफल रहेगा। गौरतलब है कि इसरो ने चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश में स्थित श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया था। इस खास मिशन का लक्ष्य चंद्रयान 3 के लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड कराना है। माना जा रहा है कि लॉन्चिंग के बाद 40-50 दिन में चांद पर ये लैंड कर सकता है। इसरो के वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा 23 अगस्त 2023 की शाम को हो सकता है। चंद्रयान 3 के परियोजना निदेशक पी वीर मुथुवेल ने जानकारी दी थी कि इसरो द्वारा टेलीमेट्री के अलावा ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क पर लगातार नजर रखी जाएगी। बता दें कि इस बार चंद्रयान 3 के साथ लैंडर और रोवर ही भेजे गए हैं, इसके साथ ऑर्बिटर नहीं भेजा गया क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी तक सही तरीके से काम कर रहा है। कहा जा रहा है कि एक महीने से ज्यादा की अवधि में यानी करीब 40 से 50 दिन में ये लगभग 3.84 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा और लैंडर प्रोपल्शन मॉडल से अलग हो जाएगा, जिसके बाद चंद्रमा की सतह से थोड़ी दूर से लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। We'll be right back.